मेवात के खूनी रोड पर फिर एक हादसा हो गया। हादसा उस समय हुआ जब एक पिता अपने लड़के के साथ खूनी रोड से पैदल नूह बाजार की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक पीछे से आई एक इको कार ने पिता को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिता की मौत हो गई। घटना नूह शहर के भारत पेट्रोल पंप के नजदीक की बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया है। जानकारी के अनुसार पुनहाना के लुंगा कला गांव का रहने वाला मृतक हारून अपने बेटे अजरुद्दीन के साथ नूह शहर में भारत पेट्रोल पंप के नजदीक से होते हुए बाजार की ओर आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच पीछे से इको गाड़ी आई जिसने हारून को जोरदार टक्कर मार दी। पीड़ित परिवार के लोगों ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मृतक की पहचान पुलिस की FIR के मुताबिक हारून निवासी लुहिंगा कला के रूप में हुई है। पुलिस के FIR के अनुसार टक्कर लगने के बाद हारून को उसका लड़का प्राइवेट गाड़ी का सहारा लेकर नल्लड़ लेकर पहुंचा, जहां पर उनकी नाजुक हालत को देखते हुए दिल्ली के ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन हारून ने घासड़ा गांव के समीप ही दुनिया से अलविदा कह दिया। देखिए रिपोर्ट।